इसका दूसरा नाम ये है ललितपुर। ललितपुर मतलब ये कला का शहर भी है। दरबार के अंदर बहुत सारा कला कृति देख सकते हैं आप। वो बहुत सारा बहुत सारा कार्बन मिलेगा आपको। और वो मंदिर के और बहुत
मेरा घर के दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के काफ़ी अच्छा लगा, खूब एंजॉय किया। ठीक है, सारे ग्रुप मेंबर अच्छे थे और बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया हमने। सर कैसा लगा आपको नेपाल का ट्रिप? नेपाल का ट्रिप बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन नागरकोट बेस्ट लगा इसमें। कैसा लगा आपको नेपाल का ट्रिप? वैसे तो हम पहली बार आए हैं इस ट्रिप में नेपाल में, नेपाल में ही पहली बार आए हैं काठमांडू में, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पूरा एंजॉय किया यार, यहाँ तो बल्कि ये लास्ट जो इसकी मेमोरी है ये तो जिंदगी भर रहेगी। हाँ बहुत अच्छे लगे वहाँ, हम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सब वंस इन ए लाइफ टाइम की चीज़ें हैं, बार बार आदमी आ नहीं पाता है। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस ग्रुप, मोस्टली गोल्डन एजर, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी हमको। नेपाल का ट्रिप बहुत बढ़िया लगा, इतना हमने सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया ट्रिप जाएगा हमारा। और सबसे ज़्यादा तो हमारा कैंडिडेटर बहुत बढ़िया निकला, जो इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा उसको, और बहुत बढ़िया ट्रिप गया ये हमारा। नेपाल का ट्रिप आपको? भाई बहुत ही यूनिक रहा, और मतलब हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो थी, ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, क्योंकि मतलब हमने कभी भी फील नहीं किया था इस तरीके से पहले, लेकिन यहाँ आके लगा कि वाकई लाइफ क्या चीज़ होती है। और इस तरीके से मतलब ऐसा लगा जैसे कि हम कहीं हेवन में आ गए हैं। खास करके कंट्री वाला जो है विला, जो होटल है, ये तो अपने आप में यूनिक है। और आप अभी जैसे देख ही रहे हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हुआ पड़ा है कि मतलब हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे इस चीज़ को, वो चीज़ हमने यहाँ पर आके देखी। ठीक है, बढ़िया है। हाँ ठीक ठाक। इट वॉज ऑसम ट्रिप एंड आई थॉरली एंजॉय इट। फर्स्ट टाइम आई हैव कम विद गोल्डन ऑल एजर्स एंड एवरी थिंग वॉज वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच ट्रिप्स। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर राजू और जो मतलब कि विजय जी हैं ना, वह इतने कोऑपरेटिव हैं कि हमें हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की, चाहे वो बच्चों की तरह उन्होंने हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया हो, चाहे कैसे भी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और एक दूसरे के जो हमारे साथ साथी हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, तो आगे भी हम आपके साथ ये ट्रिप को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। गोल्डन एजर जिंदाबाद। माई ट्रिप एंड आई एम द ओनली वन हु केम फ्रॉम साउथ,
I made lots of friends and lovely arrangement. And it's a lifetime. Everybody has to come through your golden ages. And I wish everybody the very best. And really happy. And I enjoy a lot. Next time I'm looking forward to meet you all. Thank you. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में आई और मुझे सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिला. और उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट मुझे जो नीचे गेट टुगेदर करे, हमने डेली एवरी डे मुझे एक डिफरेंट टाइप इन्जॉयमेंट मिला. और उससे भी ज़्यादा मुझे राजकोट में मिला, यहाँ पे नगरकोट में. और जो हमने कल रात को इन्जॉय करा, उससे भी ज़्यादा मज़ा आया जब हमारे साथ इस स्टेट के लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हुए. और मुझे बहुत अच्छा लगा. आज सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट विजय जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया ग्रुप के साथ. बहुत अच्छा लगा. और विजय जी ने हमारी बहुत हेल्प की, हमें रूम्स में प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की. और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये ट्रिप हमारे लिए एक अच्छा ट्रिप रहा. अरे आपके सारे ट्रिप्स हमने जो लिए हैं बहुत अच्छे लगे हैं, ये भी उनमें से एक है. ट्रिप का जो तरीका है इनका बहुत अच्छा है. तो विश यू ऑल द बेस्ट. ट्रिप बहुत अच्छा था. बहुत केयर करते हैं, ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा दे आर देयर टू हेल्प यू एंड दे लुक आफ्टर यू. तो इसलिए सभी जो भी ट्रिप में लोग थे सभी यही बातें कर रहे थे कि इस ट्रिप की खासियत ये है कि बहुत पर्सनल टच है और बहुत अच्छे से केयर करते हैं. इसलिए हम कभी इतना रिपीट नहीं करते जितना इस ट्रिप को रिपीट किया है. तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट.